भाई अशोक चौधरी जी, हम लोगों के विधान परिषद में चीफ व्हिप, व्हिप का मतलब होता है जो चाबुक चलाता है, संजय गांधी जी, पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री विक्रम कुमार जी, बच्चेश्वर भाई जी को देख रहे हैं, राणा रणधीर सिंह जी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, पहले जल संसाधन विभाग में काम करने का मौका दी और आज पार्टी की बात जा करके राज्यसभा में, संसद में जा करके बात रखने का मौका इन्होंने विश्वास जताया है। मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के इतिहास को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, पीछे जा करके देखें, और ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी भाषण में नहीं बोलते हैं। अगर परिवारवाद से दूर देश में कोई एक पार्टी है जिस पर नेता के परिवार का कोई प्रभाव नहीं, नेता का परिवार आसपास भी नहीं दिखाई पड़ता है, अकेला पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस देश में है जहां मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों के लिए तो गौरव की बात है। यहां कोई साथी कहीं पहुंच सकता है अपने काम के बल पर, और ये मुख्यमंत्री जी ने टाइम और अगेन प्रूव किया, बार बार दिखाया है इस चीज एक। और दूसरी बात, हम लोग दिल्ली में पढ़े, जेएनयू में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, जब हम लोग पढ़ते थे दिल्ली में तो उस समय प्रदेश को लेकर के लोग मजाक उड़ाता था, बिहारी आप हैं तो ये शर्म की बात हो गई थी पूरे देश में। अकेला नीतीश कुमार है जो पूरा देश और दुनिया में बिहार और बिहारी शब्द का परिभाषा और इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाए, उस नेता के साथ हम लोग काम करते। दिल्ली की बात कर रहा, लंबा भाषण नहीं देना है, लेकिन एक चीज तो है, अभी कुछ बात की चर्चा अशोक जी कर रहे थे, नेता ने एक बेस बना दिया बिहार, कोई परमानेंट नहीं, लेकिन कुछ बात ऐसी रह जाती है। कितना इतिहास में बात होता है, जब इतिहास लिखा जाता है तो अच्छा बुरा सब बात आता है उसमें, जब मौका मिले तो नीतीश कुमार जी को बिहार चलाने का मौका मिला। आज भी देश में ईमानदार नेता में अगर ढूंढने जाएंगे तो चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा, तो एकाध नेता बचा है, हमारे नेता है नीतीश कुमार, उनके साथ काम करने का मौका है, तो उनके साथ काम करने का मौका हम लोगों को मिला है। मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, लेकिन आप किस पार्टी से हैं, किस नेता के मंत्री हैं, किस नेता के साथ काम करने का मौका मिला, किस मुख्यमंत्री के अंडर में आप काम किए, उससे भी आदमी को जज किया जाता है। हम लोगों का तो सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का, सीखने का, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि माथा खराब नहीं हो, वो जो मौका दिए हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो जो उनसे सीखे हैं उसी रास्ते पर चल करके समाज के लिए कुछ कर सके, यही सबसे बड़ा काम है, यही सिखाया हम लोगों को सबसे बड़ी बात। और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का झंडा लेके हम लोग कहीं जाते हैं तो सामने वाला भी इज्जत से हम लोग को देखता है कि नहीं इस पार्टी से आए, इस नेता के साथ आए, ये मौका वहाँ पर मिला है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बेस बना दिया बिहार का, मैं सब जगह बोलता हूँ, बिहार का रोड हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, पानी की बात हो, एक जंप बिहार को और लेना, एक जंप बिहार और लेगा तो बिहार देश के टॉप 5 स्टेट में आ जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ने सारी तैयारी कर दी, तो अब जो लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है,
और जो माहौल देश में बन रहा, हम लोग तो इंडिया गठबंधन को भी देखे जाकर के उनके साथ जाने का मौका, 2029 का तैयारी कर रहा है, 24 भूल गया वो गठबंधन, 24 को मान लिया है कि 24 में कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस पार्टी जो है, तो जो 2029 का तैयारी कर रहे हैं उनके नेता जो है, तो जब हम लोग लोकसभा बिहार में स्वीप करेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है अगला 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा। इसलिए कि 2024 और 2025, एक बात और बता देता हूँ, मैं देखता रहता हूँ बहुत जगह अखबार में छपता रहता है ये मध्यावर्ती चुनाव बिहार में, बिहार में चुनाव 2020 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को मैंडेट मिला था 2025 नवंबर तक सरकार चलाने का, और ये चुनाव समय पर होगा, 2025 नवंबर में ही चुनाव होगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं होने वाला। और इसके अलावा लोकसभा में जब जीत के जाएंगे और सरकार वहां बनेगी, मुझे लगता है कि जो एक बेस तैयार है, इसकी बात आदरणीय वशिष्ठ बाबू भी कर रहे थे, अशोक जी कर रहे थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट आने का, नौकरी का, और नौकरी कौन दिया आप बोले नहीं, बोलना था अशोक जी को। शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय 2 में तय किए, अपने विजय बाबू थे मंत्री, शिक्षा मंत्री, उसी समय सारा काम तय हुआ। और कल मैं सुन रहा था, वो अच्छा हाउस में बोल रहे थे विजय बाबू, उन्होंने कहा कि सब हम लोग कर चुके थे, जिस दिन से पूर्व शिक्षा मंत्री ऑफिस जाना बंद किए उसके बाद ही वो काम हो पाया, वहाँ पर छोड़ दिए थे ना ऑफिस जाना, हो उसके बाद ही वो काम हो पाया। और आगे भी रोजगार जो प्रॉमिस किए हैं गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, आज तक जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं, और ये भी पूरा करके दिखाएंगे। अगले 5 साल में मुझे लगता है कि बिहार में बहुत सारा काम होगा, हम लोग फरवरी में बात कर रहे हैं, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव की तैयारी हो जाएगी, और पार्टी चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में जाएगी। हम सब साथी को अभी तो अगला 2 महीना मैदान में जाना है, तुम्हें जितने हमारे साथी हैं उसके लिए हम लोग जाएंगे। मैं पूरी पार्टी को, पार्टी के सारे साथी हैं जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।